मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और YouTube चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की चर्चा पहले भी बताते आए हैं। ज्योतिष शास्त्र क्या होता है, ग्रह नक्षत्र किस प्रकार आपके जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं, आज कुछ ऐसी चर्चा को लेकर ही हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आज हम दर्शकों को नव ग्रहों की महादशा के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। आपके जन्मकालीन नक्षत्र के आधार पर आपकी महादशा का निर्धारण होता है और ये महादशाएं कितने समय तक चलती हैं और आपको किस रूप में प्रभावित करती हैं, आज दर्शकों को हम ये बताने वाले हैं। देखिए, किसी भी दशा की एक निर्धारित अवधि होती है और उस निर्धारित अवधि का मनुष्य को भोग करना पड़ता है। जैसे सूर्य भगवान की महादशा 6 वर्ष की होती है, सूर्य भगवान की महादशा जो 6 वर्ष की होती है, ऐसे 6 वर्ष की महादशा में नवग्रहों की अंतरदशाएं भी आती हैं। जैसे सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतरदशा, फिर सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा, क्रमानुसार सूर्य की महादशा में नवग्रहों की अंतरदशाओं का भोग भी मनुष्य को करना पड़ता है। सूर्य भगवान की महादशा के बाद चंद्रमा की महादशा आती है। ये चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है। चंद्रमा की महादशा के अंतर्गत भी नवग्रहों की अंतरदशाएं आती हैं। चंद्रमा की महादशा के उपरांत मंगल की महादशा आती है और मंगल की महादशा 8 वर्ष की होती है। मंगल की महादशा के बाद राहु की महादशा आती है। ये राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। राहु की महादशा के उपरांत बृहस्पति की महादशा आती है और बृहस्पति की महादशा कुल 15 वर्ष की होती है। इन महादशाओं के अंतर्गत नवग्रहों की अंतरदशाएं भी आती है, जिसकी चर्चा हम इस कार्यक्रम में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अंतरदशाएं और प्रत्यंतर दशाएं काफी ज्यादा वृहद रूप में आपको बताएंगे। बृहस्पति के 15 साल की महादशा के उपरांत शनि देव की महादशा आती है जो कि 19 वर्ष की होती है। शनि देव की 19 वर्ष की महादशा के बाद बुध देव की महादशा आती है। बुध देव की महादशा 16 साल की होती है और बुध देव की महादशा के बाद केतु की महादशा आती है। ये केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। केतु की महादशा के बाद शुक्रदेव की महादशा आती है और ये शुक्रदेव की महादशा कुल 20 वर्ष की होती है। ग्रहों की महादशाओं का ये क्रम जो है ये सुनिर्धारित है, अर्थात जिस क्रम में हमने आपको बताया उसी क्रम में जातक को महादशाओं का भोग करना पड़ता है और ये महादशा आपके जन्मकालीन नक्षत्र से निर्धारित होती है। जैसे कि हमने देखा कि कृतिका नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके सूर्य की महादशा का जन्म होगा और आपके महादशाओं की शुरुआत सूर्य की महादशा से होगी और सूर्य के बाद की दशाएं जो है वो उसी क्रम में आएगी जिस क्रम में हमने आपको जानकारी प्रदान की है। यदि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है
तो आपकी महादशा की शुरुआत चंद्रदेव से होगी, यानी आपका जन्म चंद्रमा की महादशा में हुआ होगा और चंद्रमा की महादशा के बाद महादशाएं उसी क्रम में आएंगी जिस क्रम में हमने आपको जानकारी दी है। यदि जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है तो आपके जन्मकालीन महादशा मंगल की होगी और मंगल के उपरांत जो दशाओं का क्रम है वही क्रम बना रहेगा। यदि आपका जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ है तो आपकी जन्मकालीन महादशा राहु की होगी और राहु की महादशा के बाद जो दशाओं का क्रम है वो वही रहेगा जो हमने आपको बताया है। यदि आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है या विशाखा नक्षत्र में हुआ है तो आपके जन्मकालीन महादशा बृहस्पति की होगी। यदि आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो आपकी जन्मकालीन दशा शनि देव की होगी। यदि आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो आपकी महादशा यानी जन्मकालीन महादशा बुध की होगी। यदि आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो आपकी जन्मकालीन दशा केतु की रहेगी। यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो आपकी जन्मकालीन महादशा शुक्र की होगी। अर्थात जन्मकालीन नक्षत्र के आधार पर महादशाओं का निर्धारण होता है और ये महादशाएं उसी क्रम में आती हैं जिस क्रम में हमने आपको बताया है। महादशाओं का क्रम और महादशाओं की अवधि ये सुनिर्धारित होती है, इसे कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता है। इन महादशाओं के अंतर्गत अंतर दशाओं और प्रत्यंतर दशाओं का क्रम भी सुनिर्धारित होता है, जिसे कोई भी नहीं बदल सकता है। आप अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन करके ये देखिए कि आपकी महादशा कौन सी है और किस महादशा में आप अभी वर्तमान में हैं। महादशाओं का जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि अच्छी महादशा चल रही है तो मनुष्य को जीवन में सफलताओं की प्राप्ति होती रहती है। यदि महादशाएं प्रतिकूल हैं तो बहुत ज्यादा प्रयत्न करने के बावजूद भी मनुष्य को सफलताएं प्राप्त नहीं होती। इसलिए जब भी हम सफलता अथवा असफलता की बात करें तो पहले आपको अपनी महादशा का अवलोकन कर लेना चाहिए, उसी महादशा के अनुरूप आपको प्रयास करना चाहिए। अनुकूल महादशा में अल्प प्रयासों में भी सफलता प्राप्त हो जाती है और प्रतिकूल महादशा में बहुत ज्यादा प्रयत्न करने के बावजूद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। आने वाले समय में इन महादशाओं के संदर्भ में हम आपको ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी प्रदान करते रहेंगे। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से सीधा हमसे बात भी कर सकते हैं और आप हमसे अपने संदर्भ में सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रसारण और अगली चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।